हेलो फ्रेंड्स, ए हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग 7.11 पढ़े थे, कंप्लीट सारा आपका एक्सरसाइज का सवाल बन गया था। और आज हम लोग मिसलेनियस के एग्जांपल्स को बनाएंगे और होप कि आप इस सेशन को एंजॉय कीजिएगा, मजा आएगा। आपको मैथ को प्रैक्टिस करते रहना है, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सराय पे मेरा क्लास खुल चुका है, टाइम है 10 बजे से। यदि आपको आकर ऑफलाइन क्लास में पढ़ना है तो आप 10 बजे आकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, समझ गए। तो आइए आज हम लोग मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं, मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स को हम लोग पढ़ते हैं। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 37। आई बराबर है इंटीग्रेशन, कॉस 6x अंडर रूट 1 प्लस साइन 6x और है dx, और इस चीज को सॉल्व करना है। इस चीज को नहीं, उधर बगल का है। इस चीज को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको देखकर समझ लीजिए कि किसको पुट पाट कीजिएगा, बताइए। रूट वाला टेढ़ा है, समझ गए, रूट वाला टेढ़ा है। इसको पुट करने से देखिए, साइन को यदि 1 प्लस साइन एक्स 6x को पुट कीजिएगा और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, समझ गए। यानी कि हम लोगों को कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो क्या कीजिए, आप इसको पुट कीजिए, समझ गए। क्या कीजिएगा, पुट 1 प्लस साइन 6x बराबर t, 1 प्लस साइन 6x बराबर t, और पुट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखिए, तो 1 का कितना हो जाएगा, 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, समझ गए। और इधर साइन 6x है तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, यानी कि आपका हो गया कॉस 6x, और x के कोफिशिएंट से हम लोग गुना करते हैं, समझ गए। x के कोफिशिएंट से क्या करते हैं हम लोग, तो x के कोफिशिएंट से गुना कर देते हैं। x का कोफिशिएंट 6 है तो 6 से गुना कर दीजिए, और dt बटे क्या हो गया, dx, dt बटे क्या हो गया, तो dt बटे हो गया dx। अब आप क्या कीजिए, तो अब आप कोना कोनी गुना कर लीजिए, समझ गए। अब आप कोना कोनी गुना कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, तो आपका हो गया cos 6x into dx, कोई है क्या, देखो तो cos 6x into dx बराबर dt by 6। ये 6 गुना में था ना, ये 6 गुना में था तो कहां आ गया, भाग में, समझ गए। ये 6 गुना में था तो कहां आ गया, भाग में, देखो ना कोई है तो बोलो। तो i बराबर क्या हो गया, तो i बराबर हो गया इंटीग्रेशन, देखो ना ये क्या हो गया, अंडर रूट, इस पूरे को हम लोग t माने हैं, तो t और cos 6x dx, cos 6x dx किसके बराबर है, तो dt by 6 के बराबर है। cos 6x dx किसके बराबर है,
तो dt by 6 के बराबर है, समझिए किसके बराबर है, तो dt by 6 के बराबर है। तो क्या हो गया, i बराबर 1/6 और रूट t है ना, रूट t है तो रूट x का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x पे पावर 3/2 होता है, रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x पे पावर 3/2, तो ये भी हो जाएगा आपका 2/3 और t पे पावर 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा c, समझिए प्लस आपका हो गया c। ये आपका तीन बार में कट गया तो i बराबर क्या मिल गया, 1/3 9 1/9 और t पे पावर 3/2 प्लस c, 1/9 और t देखिए तो आप क्या माने हैं, t आप माने हैं 1 plus sin 6 है, तो ये आपका हो गया 1 plus sin 6x इस पे पावर 3/2 प्लस c और यही हो गया आंसर, समझिए यही क्या हो गया, तो ये आपका हो गया आंसर, क्या आंसर हो गया, तो i बराबर 1/9 इंटू 1 plus sin 6x इस पे पावर 3/2, समझिए इस पे पावर क्या हो गया, तो पावर हो गया 3/2, आंसर देखो नुनू है, ठीक है बिल्कुल इसका आंसर है, ठीक है इसका आंसर है। एग्जांपल 38 39 ऐसा सवाल हम आप लोगों को बता चुके हैं, ये आपका रहेगा SW। एग्जाम्पल 38 क्या है, i बराबर इंटीग्रेशन x पे पावर 4 minus x इस पे पावर 1/4 बाय x पे पावर 5 dx, ऐसा क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, ये आपका रहा है SW, समझ गए ये आपका रहा है SW, हालांकि एग्जाम्पल में तो बनाया हुआ है भी। और एग्जाम्पल 39 देखिए, एग्जाम्पल 39 क्या है, तो i बराबर है इंटीग्रेशन x पे पावर 4 dx बाय x माइनस 1 और इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके हैं, समझ गए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं, और एक नहीं बल्कि कई सारे एग्जांपल्स, ऐसा कई सारा क्वेश्चन हम बताए हैं, याद कीजिए कि आपका पार्शियल फ्रैक्शन में, समझ गए किस में है ये, पार्शियल फ्रैक्शन में, तो पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसको बना लीजिएगा, समझ गए इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आपको बना लेना है, हम कई सारे ऐसे एग्जांपल्स को बताए हैं, समझ गए, और ऐसा भी कई सारे एग्जांपल्स हम आपको बताए हैं, आराम से बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, और यदि दिक्कत होगी आप मेरे से पूछ सकते हैं, समझिए यदि दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब एग्जांपल 40 देखिए क्या है, आप लोग फटाफट नोट कीजिए, i बराबर इंटीग्रेशन log log x प्लस 1/ log x का स्क्वायर और dx, और क्या हो गया dx, समझ गए ये, इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं, यदि आप इस तरफ लिख लिए हैं तो ठीक, नहीं है तो आप फटाफट नोट कीजिए, आप फटाफट नोट कीजिए और फिर पूरे को मिटा कर हम आपको बता दें, तेजी से नोट कीजिए आप।
चलिए लिख लिए। देखिए देखो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले इस दोनों को अलग अलग कीजिए। इंटीग्रेशन log log x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय log x का होल स्क्वायर और dx, क्या किया? तो इस दोनों को हम लोग अलग अलग कर लिए, समझ गए? इस दोनों को अलग अलग कर लिए। याद रहे जब कोई सवाल बहुत टेढ़ा दिखता हो ना, जब कोई सवाल बहुत टेढ़ा दिखता हो तो बहुत आसानी से बनेगा वो। यदि कोई सवाल बहुत टेढ़ा दिखता है तो बहुत ही आसानी से बनेगा, बस आपको तरीका आना चाहिए। आपको यदि तरीका मालूम है, आपको मालूम है कि क्या छोड़ना है और क्या आगे लेकर बढ़ना है, तो आपसे बन जाएगा, समझ गए? ये सवाल टेढ़ा दिख रहा है, सिर्फ लॉग 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 दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे केस में ये सवाल ज्यादा आसानी से बनेगा, लेकिन आपको तरीका मालूम होना चाहिए। तरीका में क्या कीजिए कि इस चीज को अभी आप इग्नोर करते रहिए, इस चीज को इग्नोर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, समझ गए? इसको ज्यों का त्यों लिखना है और इसको इंटीग्रेट करना है, और अकेला लॉग है तो कैसे इंटीग्रेशन होगा? याद कीजिए मैं आपको शुरू में बताया था कि लॉग अकेला रहे या इनवर्स फंक्शन अकेला रहे, उसमें वन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एक को गुना करते हैं, तब इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड में लेते हैं, समझ गए? एक को गुना करते हैं तब इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड में हम लोग लेते हैं। तो क्या कीजिएगा, तो I बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन log log x इंटू वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन बाय log x का होल स्क्वायर और हो गया डी एक्स, समझिए? log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब I लेट पे तोड़िए, I का मतलब क्या हो जाता है? इनवर्स, इनवर्स इसमें नहीं है। L का मतलब क्या हो जाता है? log, L का मतलब log, यानी कि log वाले को फर्स्ट फंक्शन और जो बच गया वो सेकेंड फंक्शन, समझ गए? log वाले को फर्स्ट फंक्शन और जो बच गया वो आपका हो गया सेकेंड फंक्शन, जो बच गया आपका क्या हो गया? तो आपका हो गया सेकेंड फंक्शन, ठीक है? अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग नोट करते रहिए मेरे साथ, और आप लोगों को मैं फिर से खबर दे दूं कि मैं क्लास सराय पे ओपन कर चुका हूं, क्लास 11 भी, क्लास 12 भी। क्लास 12 का टाइम है 10 बजे से, फिलहाल अभी 10 बजे से टाइम है। यदि आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो आप सराय पर 10 बजे आकर क्लास कर सकते हैं, समझ गए? और 11 का यदि कोई आता है विद्यार्थी तो बोलिएगा कि पहले मुझे फोन करेगा, फिर मैं उसका सेटिंग करूंगा। चलिए हो गया। देखिए तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है? फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, समझ गए? फर्स्ट इंटू सेकेंड के इंटीग्रेशन क्या होता है? फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, समझ गए? इसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। तो देखिए क्या है यहाँ, ए आई बराबर क्या हुआ जी? आई बराबर सिर्फ इसको तोड़ना है ना, फर्स्ट वैसे है यानी कि लॉग लॉग एक्स वैसे है, लॉग लॉग एक्स वैसे, ठीक है, लॉग लॉग एक्स वैसे है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि वन का इंटीग्रेशन, यानी कि वन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल किसका डिफरेंशिएशन है? तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन,
यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन है यानी कि इंटीग्रेशन वन डी एक्स। और ये बड़का इंटीग्रल के लिए, इस बड़का इंटीग्रल के लिए एक दे दीजिए डी एक्स, समझ गए, बड़का इंटीग्रल के लिए एक क्या दे दीजिए, एक दे दीजिए डी एक्स। और एक अभी ये आपका बचा हुआ है इंटीग्रेशन वन बाय लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स। इस चीज को मैं आपको शुरू में बताया था, इसको लेकर आप ढोइए, इस चीज को लेकर ढोइए, आने वाले समय में ये कटेगा क्योंकि टेढ़ा इंटीग्रेशन है ना, टेढ़ा इंटीग्रेशन बहुत आसानी से बनता है। इस चीज को आप लिखते रहिए, देखिएगा बाद में अवश्य कटेगा। तो आपका क्या बचा हुआ है, प्लस वन बाय लॉग एक्स का स्क्वायर और डी एक्स, वन बाय लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए क्या हो गया, अब यहां पर सुनिए, लॉग लॉग एक्स वन इंटू डी एक्स, तो डी एक्स वन इंटू डी एक्स का मतलब डी एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना एक्स। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल, ठीक है। देखिए पहले आप क्या कीजिए, इस लॉग का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, लेकिन x के जगह पे कितना है लॉग x, x के जगह पे कितना है लॉग x, यानी कि 1 बाय लॉग x हो गया, 1 बाय क्या हो गया लॉग x, 1 बाय क्या हो गया लॉग x। हम लोग चैन रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन करने में चैन रूल अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं चैन रूल। तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय बाजू वाला होता है, तो बाजू वाला लॉग एक्स है, तो 1 बाय लॉग एक्स हो गया। फिर इस वाले लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ये वाले लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1 बाय बाजू वाला, 1 बाय बाजू वाला, तो बाजू में कितना है एक्स, बाजू में कितना है एक्स। इस प्रकार से लॉग लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाय लॉग एक्स इंटू 1 बाय एक्स, ठीक है। फिर देखिए 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स का मतलब हो गया डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स का मतलब डी एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और यहाँ पर एक डी एक्स बचले है, यहाँ पर एक डी एक्स आपका बचा हुआ है, समझ गए। अब देखिए आपका क्या हुआ, इसको लिख दीजिए 1 बाय लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स, 1 बाय लॉग एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। अब देखिए, अब सुनिए, ये दोनों कट गया, ये दोनों x क्या हुआ कट गया, ये दोनों x क्या हुआ, ये दोनों x आपका कट गया। सुनिए क्या बचा, ध्यान से देखिए, आप मेरे साथ लिखते भी रहिएगा और समझाएंगे तो आप समझिएगा, ठीक है। जब लिखेंगे आप भी लिखिएगा, जब समझाएंगे आपको समझना है, आपको मेरे साथ ही रहना, ये लाइव क्लास है, समझ गए। क्योंकि जैसे आपका जैसे आपका क्लास खत्म होगा, वीडियो प्राइवेट, इसलिए आपको मेरे साथ ही रहना है। देखिए क्या मिला, आई बराबर लॉग, बल्कि पहले एक्स को लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता, आई बराबर एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स माइनस यहां पर वन बाय लॉग एक्स हो गया, समझ गए, वन बाय लॉग एक्स इंटू वन डी एक्स माइनस नहीं बल्कि प्लस वन बाय लॉग एक्स का स्क्वायर और क्या हो गया डी एक्स, लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए क्या कीजिए, अब यहां पर फिर से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, यहां पर अब आपको फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, बस इसको कीजिए आंसर आ जाएगा, यहां पर आप फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे पहले आई होता है, आई का मतलब इनवर्स, आईलेट हम लगा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं आईलेट, आई का मतलब इनवर्स नहीं है, एल का मतलब लॉग, एल का मतलब लॉग, लॉग वाला चीज यहाँ पर दिख रहा है, लॉग वाला दिख रहा है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ऑटोमेटिक दूसरा क्या हो जाएगा सेकेंड, ये फर्स्ट हुआ तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंड। अब देखिए तो क्या मिला, अब आपका आई बराबर हो गया एक्स इंटू लॉग
log x माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगा दीजिए, चूंकि माइनस आया है इसीलिए हम ब्रैकेट दे दिए, चूंकि माइनस आया है इसीलिए हमको क्या देना पड़ा ब्रैकेट। तो क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाय डी एक्स ऑफ वन बाय लॉग एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, समझ गए, और ये बड़का इंटीग्रल के लिए एक डी एक्स, इस बड़का इंटीग्रल के लिए एक क्या लिख दिए, एक लिख दिए डी एक्स, और ब्रैकेट को बंद कीजिए, ब्रैकेट को क्या कीजिए बंद, और देखिए यहाँ पर एक और आपका है, क्या है तो इंटीग्रेशन वन बाय log x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, समझ गए, वन बाय log x का स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। तो अब इस तरफ हम मिटाते हैं, अब सुनिए क्या होगा, अब देखिए देखिए क्या, ध्यान से देखिएगा, तो i बराबर कितना हो गया x इंटू log log x माइनस ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो 1 बाय कितना हो गया log x और 1 इंटू डी एक्स का मतलब dx और dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस गुनी माइनस प्लस, माइनस गुनी माइनस प्लस इंटीग्रल, ये देखिए तो ये 1 बाय x का फॉर्मेट है ना, तो 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर मैं कहीं लिख देता हूँ, यहाँ पर d बाय dx ऑफ 1 बाय x माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है, समझ गए, वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये वन बाय लॉग एक्स है तो माइनस वन बाय कितना हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, माइनस वन बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर, फिर लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा, चैन रूल आप लगा रहे हैं ना, चैन रूल लगा रहे थे फिर किसको डिफरेंशिएट कीजिएगा लॉग एक्स को, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाय एक्स, log x का डिफरेंशिएशन कितना 1 by x, log x का डिफरेंशिएशन कितना 1 by x, फिर देखो 1 into dx यानी कि आपका dx और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, dx का इंटीग्रेशन x और dx, ठीक है, और फिर यहां पर जो है आप इसको लिख दीजिए क्या है तो 1 by log x का होल स्क्वायर और dx, log x का होल स्क्वायर और क्या हो गया dx। अब एक चीज देखिए, ये x x कैंसिल हो गया ना, ये x x कैंसिल हो गया और ये पूरा का पूरा भी कैंसिल हो गया, नहीं जी, ये आपका x x कैंसिल और ये देखिए निगेटिव में है और ये आपका क्या है पॉजिटिव में, आपको बोले थे कि देखिए जरूर कटेगा, टेढ़ा क्वेश्चन है आसानी से बनेगा, ये देखिए आपका कट गया तो फाइनली देखिए तो कितना हो गया, फाइनली देखिए तो फाइनली आपका आई बराबर हो गया एक्स लॉग लॉग एक्स फिर माइनस एक्स बाय लॉग एक्स, देखो नन्नू कितना आंसर है जी, यही है, अच्छा एक प्लस सी दे दीजिए क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आ गया है ना, हम लोग किस रेंजेस पढ़ रहे हैं ना, तो प्लस सी इसमें देना जरूरी है, ठीक है, इसको फटाफट आप लोग नोट कर दीजिए, फटाफट नोट कीजिए, कोई दिक्कत समस्या है तो बोलिए, बोलता है कितना बोलता है, जो हमने तो
क्या हो गया लालू यादव को? एग्जाम्पल 41 आपका रहेगा टास्क, एग्जाम्पल 41 आई बराबर इंटीग्रेशन रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स डी एक्स, ये आपका रहेगा एस डब्ल्यू। ऐसा क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, समझे? जब आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बता रहे थे ना, जब आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बता रहे थे तो याद कीजिएगा कि अदर बुक से जब हम आपको बताए थे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, तो हम आपको ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं, समझ गए? ऐसा क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं जब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आपको बता रहे थे, अदर बुक से जब बता रहे थे, तो लास्ट का सेशन देखिएगा आप, लास्ट का जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का जो लास्ट का सेशन होगा ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले का सेशन देखिएगा कि मैं रूट टेन एक्स का, रूट कॉट एक्स का, इसका इंटीग्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ। और उस समय मैं आपको बोला भी था ये जब मिसलिनियस में आएगा तो मैं इसको आपके लिए छोड़ दूंगा, समझ गए? आप वहां से देखकर इसको बना लीजिएगा, ठीक है? उसको देखकर आप बना लीजिएगा, जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। हो गया सबका? चलो जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। आज एग्जांपल्स खत्म हो जाएगा सारा, आज सारा एग्जांपल खत्म। एग्जाम्पल खत्म, दो तीन दिन में फिर एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। ए देखो इधर क्या है, एग्जाम्पल 42 है, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू कॉस 2x dx बटे में अंडर रूट 9 माइनस cos पे पावर 4 2x, cos पे पावर 4 और क्या हो गया 2x, ठीक है? ये क्वेश्चन को बनाना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बिल्कुल सॉल्व करेंगे हम लोग, याद रहे कि सबसे पहले देखेंगे टेढ़ा रूट वाला है, टेढ़ा क्या है, रूट वाला, टेढ़ा रूट वाला। तो आपको पहले ध्यान में देना है कि टेढ़ा पुट करेंगे तो क्या सीधा आ सकता है, जैसे ये टेढ़ा है ऊपर सीधा है, तो क्या टेढ़ा पुट करेंगे तो सीधा आएगा? आपको चेक करना है कि टेढ़ा पुट करने से सीधा आएगा क्या। तो यहाँ पर कॉस पे पावर 4 है ना, कॉस पे पावर 4 है, तो कॉस स्क्वायर आप पुट कीजिएगा ना, सीधा आ जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पहले 2 cos x, फिर cos x का कितना हो जाएगा माइनस साइन x, तो आपको cos स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है क्या पुट करेंगे, ताकि डिफरेंशिएट करने पर कोई ना कोई एक फंक्शन आपके काम का आ जाए। तो यहाँ पर ये तो पहले टेढ़ा दिख रहा था, इसको पुट करना चाह रहे हैं, तो फिर एक फायदा ये रहा, यदि cos स्क्वायर x को पुट करते हैं तो cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 cos x,
फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा जो कि ऊपर वाला आपका आ जाएगा। तो अब m अब हम लोग तय कर लिए क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे आप देखिए। तो i बराबर इंटीग्रेशन sin 2x into cos 2x dx by अंडर रूट 9 माइनस cos स्क्वायर 2x और इस पूरे पे स्क्वायर दे दीजिए, cos स्क्वायर 2x और क्या कीजिए और पूरे पे स्क्वायर, cos स्क्वायर 2x और क्या कीजिए तो पूरे पे स्क्वायर कर लीजिए। और अब आप पुट कीजिएगा, क्या पुट कीजिएगा, पुट cos स्क्वायर 2x बराबर t, क्या पुट कीजिएगा तो cos स्क्वायर 2x बराबर t। और पुट करने के बाद में डिफरेंशिएट करना है, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए, बोलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ए निकल आ गए यानी x बराबर cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये क्या बोला, सही बोला गलत से इंटीग्रेशन सर, हम क्वेश्चन दो तीन बार बोले थे ना, तो इससे करता गर्लफ्रेंड है वो छोटा इसका मतलब क्या हुआ, चिकना चुपड़ी है तो क्या हुआ, दांत तो टूटा है ना इसका, अरे मजा नहीं, टूटे के नहीं निकल आएगा ऐसा नहीं। हाँ ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पर cos स्क्वायर है ना, ये cos स्क्वायर है उसकी गर्लफ्रेंड था इसलिए हम बोल रहे थे आप लोग ठीक, cos स्क्वायर है ना जी, cos स्क्वायर के इंटीग्रेशन पहले 2 cos x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 cos x, और फिर जो है ना पहले cos स्क्वायर पहले क्या होता है x स्क्वायर के इंटीग्रेशन 2x होता है ना, तो cos स्क्वायर x के इंटीग्रेशन 2 cos x यानी कि 2 cos 2x हो गया। फिर cos का इंटीग्रेशन निकालना है तो cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन नहीं बल्कि डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन कितना तो sin बल्कि माइनस साइन, तो माइनस साइन कितना हो गया 2x, माइनस साइन कितना हो गया तो माइनस साइन हो गया 2x, और x के कोफिशिएंट से हम लोग डिफरेंशिएशन में गुना कर देते हैं, डिफरेंशिएशन में x के कोफिशिएंट से गुना कर देते हैं, x के बाजू में 2 है, x के बाजू में 2 है तो 2 से क्या कीजिए गुना कर दीजिए, x के बाजू में 2 है 2 से गुना कर दीजिए, और इधर क्या हो गया इधर t का डिफरेंशिएशन dt by dx, t का डिफरेंशिएशन dt by dx, t का डिफरेंशिएशन dt by dx। अब देखिए क्या हुआ, अब सुनिए आपका क्या हुआ, तो देखिए तो 2 दूनी 4 और ये माइनस माइनस 4, आप ऐसा कीजिए कि cos 2x sin 2x और dx को एक तरफ कर लीजिए, देखिए cos 2x sin 2x और dx इस तरफ लाइएगा तो गुना में हो जाएगा, क्या बच गया तो इस तरफ आपका बचा है dt, क्या बच गया इस तरफ बचा है dt, और 2 दूनी 4 और यहाँ पर माइनस, तो माइनस 4 आपका है ना, माइनस 4 अभी आपका बचा हुआ है, माइनस 4 बचा हुआ है तो माइनस 4 से क्या कीजिए तो भाग दे दीजिए, माइनस 4 से क्या कीजिएगा तो माइनस 4 से आप भाग दे दीजिए। अब देखिए तो i बराबर कितना हो गया, तो i बराबर हो गया देखिए इंटीग्रेशन इस पूरे का मतलब क्या हो गया, इस पूरे का मतलब हो गया dt by माइनस 4, इस पूरे का मतलब dt by माइनस 4, और ये क्या हो गया तो ये हो गया अंडर रूट 9 माइनस, इसको आप t पुट किया है ना, t पुट किया है ना जी, आपके क्या हो गया t स्क्वायर, क्या हो गया t स्क्वायर, क्या हो गया ननु तो हो गया t स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, i बराबर माइनस 1 बाय 4 बाहर, dt बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, dt बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब जो तेज है सिर्फ वही बोलेगा, सब नहीं बोलेगा, जो तेज है सिर्फ वही बोलो जी, 1 बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है, तेजी से बोलो साहब, अरे इंटीग्रेशन खत्म हो गया, फॉर्मूला बताओ, हमको देखता है, हम पूछते हैं फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स
एक्स बाय ए। क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय, क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय। तो क्या हो गया दोनों, देखो यहाँ पे माइनस वन बाय फोर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स के जगह पे टी है, एक्स के जगह पे टी है तो टी बाय ए, ए के जगह पे थ्री है प्लस सी, ए के जगह पर क्या है तो ए के जगह पर थ्री है। अब देखिए क्या हुआ, अब आई बराबर हो गया माइनस वन बाय फोर साइन वर्स टी, बताओ तो उन्होंने कितना है, टी है कॉस स्क्वायर टू एक्स, टी है बटे में कितना थ्री, बटे में थ्री और प्लस कितना हो गया जी, तो प्लस हो गया सी। देख लो है क्या आंसर मिलाओ तो, आंसर सेम है कुछ दाएं बाएं भी है ठीक तो यही ना। यस सर, चलो बहुत बहुत मुबारक, वन बाय थ्री अलग से ठीक है, चलो फटाफट फटाफट नोट करो तेजी से। फटाफट नोट करो ना सर, हो गया हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, दिक्कत परेशानी है तो आगे बढ़ते हैं, और दो क्वेश्चन बताएंगे सेशन खत्म, दो क्वेश्चन और बताएंगे सेशन खत्म। मिटा दे जी, मिटा दे फटाफट बोलो ना, मिटा दे ठीक है। और 10 मिनट का आपका सेशन चलेगा फिर खत्म, इसके बाद दो सवाल में 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, मिसलेनियस है ना, कोई और सवाल ऐसा नहीं रहता, आसान नहीं रहता, सब सवाल में थोड़ा बहुत दम रहता ही रहता है। कहाँ 12-15 रहता है लाइफ, इससे ज्यादा कहाँ रहता है, अभी 11 बचा लाइफ एग्जाम्पल 43 देखो क्या है, एग्जाम्पल 43 एग्जाम्पल 43 एग्जाम्पल 43 आई बराबर है माइनस वन से थ्री बाय टू मॉड एक्स साइन पाई एक्स और डी एक्स ठीक है।
और इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, समझ गए? इस क्वेश्चन को क्या करना है, तो सॉल्व करना है। आप देखो बेटा, ये मॉड वाला चीज आ गया ना, मॉड वाला आ गया ना ये, तो मॉड वाला चीज को हम लोग क्या करते हैं, तो मॉड वाले चीज में याद रखिएगा, आपको फिर से तोड़ना पड़ता है। मॉड वाले में क्या करना पड़ता है, फिर से उसको ब्रेक करना होता है, लिमिट को ब्रेक करना होता है। और यदि आप लिमिट ब्रेक करना सीख गए, मॉड वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है यदि आप लिमिट को ब्रेक करना जानते हैं, समझ गए? मॉड वाला क्वेश्चन आसान होता है, इसके इंटीग्रेशन बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन यदि आप इसके लिमिट को ब्रेक करना जानते हैं। अब कैसे ब्रेक कीजिएगा, तो आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए साइन दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, साइन, जोर से बोलिए, क्या दिख रहा है, साइन। और याद कीजिए, साइन का मैक्सिमम वैल्यू एक होता है, साइन का मिनिमम वैल्यू माइनस एक होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, एक, मिनिमम वैल्यू कितना होता है, माइनस एक, समझ गए? इसको माइनस एक से एक पे ब्रेक कीजिए, इसको माइनस एक से एक पर क्या कीजिएगा, ब्रेक कीजिए, माइनस एक से एक पर ब्रेक कीजिए, माइनस एक से एक पर ब्रेक कीजिए, तो I बराबर माइनस वन टू वन मॉड एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स प्लस एक से थ्री बाय टू मॉड एक्स साइन पाई एक्स, और फिर क्या हो गया, तो और हो गया डी, ठीक है? इस तरह से हम ब्रेक किए, इस तरह से क्या किए, हम ब्रेक किए। अब देखिए, आपको एक चीज ध्यान में देना है कि कौन सा प्लस होगा और कौन माइनस होगा, इस चीज को आपको ध्यान में देना है, इस चीज को आपको ध्यान में देना है, कौन प्लस कौन माइनस, ध्यान से देखिएगा। एक से कम, इस तरह से एक लाइन खींचिए, इस तरह से पहले एक लाइन खींचिए, समझ गए? क्या खींचेगा, तो यहाँ पर एक लाइन खींचिए, यहाँ पे एक लाइन खींच दिए, देखिए ये माइनस वन, ये वन और ये थ्री बाय टू, समझ गए? माइनस वन वन थ्री बाय टू, माइनस वन वन थ्री बाय टू, इस तरफ हो गया प्लस इन्फिनिटी और इस तरफ हो गया माइनस इन्फिनिटी, एक तरफ प्लस इन्फिनिटी एक तरफ माइनस इन्फिनिटी। अब एक चीज देखिए, माइनस एक और एक के बीच में, माइनस एक और एक के बीच में, समझ गए? माइनस एक और एक के बीच में आपको कोई संख्या को लेना है, सपोज कीजिए कि आप क्या ले लेते हैं, हाफ, आप क्या ले लेते हैं, हाफ, आप क्या ले लेते हैं, हाफ, समझ गए? यदि हाफ लीजिएगा, इसको चेक कीजिए कि प्लस मिलेगा कि माइनस, एक्स के जगह पे हाफ, और ये कितना हो गया साइन पाई, और एक्स के जगह पे कितना, हाफ, एक्स के जगह पे हाफ, यानी कि आपका मिल गया एक बटे दो और साइन पाई बाय टू, यानी कि एक बटे दो और साइन नब्बे डिग्री कितना, वन, यानी कि एक बटे दो, यानी कि ये चीज क्या मिला, प्लस में, ये चीज क्या मिला, प्लस में। ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, आपको लिमिट को ब्रेक करना आना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा सवाल बनाना, समझ गए? लिमिट को ब्रेक करने हम आपको सिखा रहे हैं। फिर सुनिए, अब यहाँ पर देखिए जी, इस भाई को कैसे तोड़िएगा, ये एक से बड़ा और थ्री बाय टू से छोटा बोल रहा है, एक से बड़ा और थ्री बाय टू से छोटा बोल रहा है, तो सुनिए क्या होगा, आप एक से डेढ़ के बीच में, एक से डेढ़ के बीच में आप ले लीजिए सवा, आप क्या ले लीजिए, सवा 1.25, कहने का मतलब है एक दो पांच, और बटे में कितना हो जाएगा जी, 100, इन होगा बटे में 100, अरे सवा का मतलब कितना होता है जी, तीन बटे दो का मतलब डेढ़ रुपया हुआ, बोलो, तीन बटे दो का मतलब कितना रुपया, डेढ़ रुपया, और यहाँ पर क्या टका है, एक टका, एक टका डेढ़ रुपया, यहाँ देखो नू, एक टका डेढ़ टका के बीच में सवा टका नहीं ले सकते हैं, सवा टका का मतलब 1.25 होगा कि नहीं, बोलो हाँ होगा, जोर से बोलो हाँ होगा, तो ये पॉइंट तोड़ाओ, नीचे कितना जी, 100, पॉइंट तोड़ाओ नीचे कितना, 100, इसको काटो, 2500 का 100, 25 पंचे 100, ठीक है? अब देखो यहाँ पर रखना है, x के जगह पे क्या रखना है, 5/4, और साइन यहाँ पर पाई, और x के जगह पे 5/4,
चार, एक्स के जगह पे कितना हो गया 5/4। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, एकदम सिर्फ 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 यहीं पे देखो, सिर्फ यहीं पे देखो कितना होगा, सिर्फ यहीं पे देखो साइन पाई का मतलब 180 डिग्री गुना 5/4। चलो काटो तो जी, काटो कितना बार में कटेगा, 45 बार में। कितना बार में कटेगा, 45 बार में। कितना बार में कटेगा, 45 बार में, यानी कि 5/4 और साइन 45, बचे कितना हो गया, बचे 25, बचे 25 का 5 हाथ कर रहा कितना जी, जल्दी से बोलो हाथ का कितना रहा, 2, बचे 25 का 5 हाथ कर रहा 2, अब पंचोके 20, पंचोके 20, 20 दो 22, 20 दो 22, 20 दो 22, ए बेटा ये सुनो, यहाँ सुनो जी, 5/4 का चिन्ह प्लस है, 5/4 का चिन्ह कितना है, जोर से बोलो कितना है, प्लस, ये कितना है, बोलो 225 डिग्री, कितना है जी, थोड़ा मिटाकर डार्क लिख देते हैं, 225 डिग्री, 225 डिग्री किस घर में जाएगा, 225 डिग्री किस घर में जाएगा, यहाँ देखो, बोलो मास्टर साहब 0, बोलो मास्टर साहब 90 डिग्री, बोलो मास्टर साहब 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, 360 डिग्री, बोलो पहला घर, बोलो दूसरा घर, बोलो तीसरा घर, बोलो चौथा घर, अब बताओ बेटा जल्दी से बोलो 225 डिग्री किस घर में जाएगा, जल्दी से बोलो किस घर में जाएगा, जल्दी से बोलो किस घर में जाएगा, किस घर में जाएगा, किस घर में जाएगा, तीसरा घर में साइन क्या होता है, तीसरा घर में साइन क्या होता है, तीसरा घर में साइन माइनस होता है, तीसरा घर में साइन क्या होता है, तीसरा घर में साइन क्या होता है, माइनस होता है, तीसरा घर में साइन क्या होता है, माइनस। रिजल्ट क्या मिला जी, जोर से बोलो रिजल्ट क्या मिला, माइनस। रिजल्ट क्या मिला, माइनस, यानी कि ये माइनस में निकलेगा, ये किस में निकलेगा, माइनस में, किस में निकलेगा, माइनस में। अब देखो, अब समझ में आ गया कैसे टूटेगा लिमिट, आई बराबर माइनस वन से वन, ये प्लस में निकला ना, तो एक्स साइन पाई एक्स डीएक्स, ठीक है। और सुनो ये कितने निकला नू, एक से लिमिट है 3/2, एक्स साइन पाई एक्स और क्या हो गया डीएक्स, एक्स साइन पाई एक्स और डीएक्स। अब इसमें आई लेट लगा देना है, क्या लगा देना है, आई लेट, आई लेट क्या लगाना है, आई एल ए टी ई, आई लेट, आई का मतलब इनवर्स, नहीं दिख रहा है, आई का मतलब इनवर्स, नहीं दिख रहा है, एल का मतलब लॉग, नहीं है, ए का मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रा तो एक्स वाले को बोलते हैं, माइनस में निकला तो माइनस गया, अरे माइनस गया कहाँ, माइनस कहाँ गया, माइनस यहाँ गया, माइनस यहाँ है, माइनस कहाँ जाएगा, ठीक। आई का मतलब इनवर्स, नहीं दिख रहा है, एल का मतलब लॉग, नहीं है, ए का मतलब अलजेब्रा, एक्स वाले को अलजेब्रा बोलते हैं, एक्स वाले को क्या बोलते हैं, अलजेब्रा, यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड, ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया, सेकेंड, समझ गए, फर्स्ट और सेकेंड, इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ना, क्या होता है, आई बराबर फर्स्ट वैसे ही, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन पाई एक्स डी एक्स, और इस पे पूरे पे लिमिट दे देना, नुनू लिमिट पूरे पे दे देना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब डिफरेंट इंटीग्रेशन पे टूटता है तो थोड़ा सा केयर रखना पड़ता है, क्या केयर रखना पड़ता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन पे लिमिट नहीं देकर लिमिट पूरे पे दे देते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स डी एक्स, और बड़का इंटीग्रल के लिए एक डी एक्स, और लिमिट हो गया माइनस वन से वन, लिमिट क्या हो गया, तो लिमिट हो गया माइनस वन से वन। फिर देखिए, फिर इसको लिखिए, माइनस है तो माइनस है तो सबसे पहले तो वो बड़का ब्रैकेट देना ही पड़ेगा, माइनस है तो वो बड़का ब्रैकेट तो देना ही पड़ेगा। देखिए फर्स्ट वैसे ही एक्स वैसे ही, इसका इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स, और क्या कीजिए इस पे लिमिट दे दीजिए एक से कितना 3/2, एक से कितना हो गया लिमिट 3/2, एक से क्या लिमिट हो गया तो 3/2, ठीक। फिर माइनस इंटीग्रल, अब लिमिट दे दीजिए 1 से 3/2,
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन, बड़का इंटीग्रल के लिए एक डी एक्स, बड़का इंटीग्रल के लिए एक क्या हो गया तो एक हो गया डी एक्स, बड़का इंटीग्रल के लिए एक क्या हो गया एक हो गया डी एक्स, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप मेरे साथ लिखते भी जाइएगा, आप मेरे साथ लिखते भी जाइएगा। अब देखिए क्या मिल गया यहाँ पर, तो ये आपका हो गया x, और साइन के इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन के इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ पर क्या है साइन है, यहाँ पर क्या है साइन है, यहाँ पर क्या है साइन है, साइन के इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन के इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यानी कि ये हो गया माइनस कॉस पाई एक्स, और इंटीग्रेशन में x के कोफिशियंट से भाग देते हैं, इंटीग्रेशन में x के कोफिशियंट से भाग देते हैं, और लिमिट है माइनस वन से वन, माइनस इंटीग्रल ये आपका माइनस वन से वन, x का डिफरेंशिएशन वन, x का डिफरेंशिएशन वन, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखवे ना, ये क्या लिखे इंटीग्रेशन जी, माइनस कॉस पाई एक्स बटे पाई और डी एक्स, और क्या हो गया अरे इसका यहाँ पे लिखा है ना, इसका तो नीचे लिखा है ना, इसका नीचे लिखा है ना, अब यहाँ तो जगह है भी नहीं, अब मिटाकर आधा पोर्शन को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, मिटाकर आधा पोर्शन को इस तरफ लिखेंगे, देखिए अभी क्या है कि हम आधा ही यहाँ पे लिखे हैं, इस आधे को हम इस तरफ लिखते हैं, या देखिए यहाँ पर अट जाए तो, यहाँ पर अट जाए तो देखिए लिख देते हैं, यदि अट जाता है तो क्या बच गया जी, माइनस ब्रैकेट तोड़ दीजिए, और ये एक्स समझ गए, और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई, और आपका जो है लिमिट है, लिमिट कितना है 1 से 3 बाय 2, और ये माइनस गुनी माइनस आपका हो गया प्लस, इंटीग्रेशन 1 से 3 बाय 2, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस पाई x बाय कितना जी पाई, बाय कितना पाई, और आपका हो गया dx, और आपका क्या हो गया dx, ठीक है। देखिए तो i बराबर क्या मिला, तो i बराबर देखिए तो आपका क्या मिला, I बराबर देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, तो पहले इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए, ये माइनस पहले आपका क्या हो गया बाहर निकल गया, तो माइनस बाहर निकाल लीजिए, निकाल लिया माइनस बाहर, और अब अपर लिमिट रखिए, आप यहाँ पर अपर लिमिट रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, x के जगह पे 1, x के जगह पे 1 इंटू ये माइनस तो बाहर निकाल चुके हैं, यहाँ पर भी x के जगह पे 1, यानी कि cos पाई बटे पाई हो गया, cos पाई बटे पाई, फिर माइनस देकर लोअर लिमिट, तो यहां पर x के जगह पे माइनस वन, x के जगह पे माइनस वन, और cos हो जाएगा माइनस पाई बटे पाई, यहां पर कितना हो गया cos माइनस पाई बटे पाई, क्योंकि x के जगह पे क्या रखें आप माइनस वन, फिर देखें तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि आपका हो गया प्लस, वन बाय पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, वन बाय पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, और कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, यानी कि साइन ये हो गया साइन पाई एक्स, और एक्स के कोफिशिएंट से भाग दे दीजिए, और लिमिट है माइनस वन से वन, लिमिट क्या है तो लिमिट है माइनस वन से वन, ठीक है। और फिर देखिए तो यहाँ पर क्या मिला, ये माइनस है और ये माइनस, ये दोनों माइनस मिलके आपका हो गया प्लस, दोनों माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, दोनों माइनस मिलके प्लस,
x के जगह पे अपर लिमिट 3/2 cos पाई इंटू 3/2 बटे में पाई, अपर लिमिट रख दिए, फिर x के जगह पे लोअर लिमिट रखिए 1, x के जगह पे लोअर लिमिट 1, यानी कि 1 इंटू कॉस, क्योंकि ये माइनस को बाहर ले चुके हैं पहले, तो प्लस हो गया कॉस पाई इंटू 1 बटे आपका हो गया पाई, ठीक है, इसका भी काम कर लिए। फिर देखिए तो आइए, ये माइनस 1 बाय पाई आपका बाहर, माइनस 1 बाय पाई बाहर, और आपका कॉस पाई एक्स बच गया ना, तो कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना, तो कॉस पाई एक्स के इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स और एक्स के कोफिशिएंट से भाग, एक्स के कोफिशिएंट से भाग, लिमिट है 1 से 3/2, ठीक है। अब आसानी से बन जाएगा, मिसलिनियस है तो थोड़ा सा बड़ा जाता ही जाता है, मिसलिनियस है तो बड़ा जाएगा ही जाएगा। अब देखिए तो आपको क्या मिला, तो आई बराबर माइनस, देखिए ये कॉस 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, कॉस 180 डिग्री का मतलब माइनस 1 न जी, कॉस 180 डिग्री बराबर माइनस 1 होता है, कॉस 180 डिग्री बराबर माइनस 1, कॉस 180 बराबर कॉस 180 प्लस 0 लिख सकते हैं, माइनस कॉस 0 माइनस 1, यानी कि ये हो गया माइनस 1 बाय पाई, माइनस गुनी माइनस प्लस, याद रहे कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है, यानी कि कॉस में माइनस से फर्क नहीं पड़ता, ये भी कॉस 180 न हो गया, तो कॉस 180 का मतलब कितना जी, 1 बटे पाई, ठीक है, ये तोड़ दिया हम लोग, चलिए प्लस 1 बाय पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, और देखिए तो यहाँ पर अपर लिमिट रखिए, तो साइन आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन आपका हो जाएगा पाई, माइनस देकर साइन पाई और एक्स के जगह पे माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस पाई, ठीक है, इसको तोड़ लिए। अब यहां पर देखिए तो इसको आप क्या कीजिए, तो प्लस 3/2 इंटू 1 बाय पाई कॉस 3/2, 3/2 का मतलब हो जाता है 270 डिग्री, 3/2 का मतलब कितना 270 डिग्री, यानी कि कॉस 270 डिग्री बराबर कॉस आप लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री यानी कि 0, कहने का मतलब है कि कॉस का जो ये वाला मान है, ये मान आपका कितना हो गया, ये मान आपका हो गया 0, कितना हो गया ये मान आपका 0, तो यानी कि ये चीज आपका हो गया 0 माइनस कॉस आपका पाई, तो cos π के बारे में अभी क्या बताए थे, माइनस 1 होता है, समझ गए, cos आपका π बराबर कितना माइनस 1, ये आपका हो गया माइनस 1 बटे π, चलिए वेरी गुड, यहां तक तोड़ लिया हम लोग। अब देखिए तो माइनस 1 बाय π इंटू π कितना हो गया, π स्क्वायर, π इंटू π कितना हो गया π स्क्वायर, और अब देखिए तो आपका क्या बच गया, अब यहां पर बच गया आपका साइन पाई, एक्स के जगह पे 3/2 माइनस साइन पाई, एक्स के जगह पे 1, तो एक्स के जगह पे हम लोग लिख दिए 1, ठीक है, देखिए ये दोनों आपका कट गया, कैंसिल हो गया, तो आई बराबर आपका कितना बच गया, 1 बाय पाई स्क्वायर साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री का मतलब कितना हो गया, साइन 180 डिग्री का मतलब 0, समझ गए, साइन 180 डिग्री 0 होता है, और देखिए तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस इनटू माइनस प्लस, और साइन 180 डिग्री का मतलब 0, समझ गए, ये तो 0 ही है, छोड़ दीजिए, माइनस इनटू माइनस प्लस, 1 बाय पाई माइनस 1 बाय पाई स्क्वायर, और देखिए साइन 270 प्लस थीटा, इसका मतलब हो गया 270, साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन जो है यहां पर निकाल देते हैं हम, साइन 270 बराबर साइन 270 डिग्री माइनस 0 डिग्री, यानी कि माइनस कॉस 0 डिग्री, यानी कि माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस 1, साइन 270 डिग्री कितना हो गया, तो ये हो गया माइनस 1
और माइनस और साइन 180 डिग्री के बारे में क्या बताया थे अभी, तो साइन 180 डिग्री हो जाता है जीरो। साइन 180 डिग्री क्या हो जाता है, जीरो। समझ गए? अब देखिए तो क्या मिला, ये पूरा का पूरा आपके कैंसिल हो गया, तो फाइनली रिजल्ट आपका आ गया आई बराबर 1/पाई माइनस इनटू माइनस प्लस प्लस 1/पाई स्क्वायर। आंसर कितना है इन्होंने देखो तो, थ्री बाय पाई प्लस वन बाय पाई स्क्वायर, थ्री है ना जी, देखो तो थ्री कहां पे छूट गया, मिस हो गया, देखो तो थ्री ये कहां पे मिस हो गया, देखो 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 ये कहां पे मिस हो गया, देखो तो ये तो थ्री बाय टू तो खत्म ही ना हो गया है, नहीं 3 by 2 देखो तो कहां मिस हो गया जी, 3 by 2 3 by 2 pi, ये कौन वाला पोर्शन, यही था ना cos 270 प्लस ये तो 0 हो गया, ये देखो तुम्हें ये माइनस इनटू माइनस प्लस, ये तो प्लस cos 180 डिग्री क्या बोले थे, cos 180 डिग्री क्या बोले थे, माइनस ना, क्या बोले थे माइनस, ये माइनस है ना बोले थे हम, माइनस है तो माइनस है तो माइनस इनटू प्लस प्लस, ये माइनस ना होगा तब, ये माइनस ना हो जाएगा फिर ये नहीं कटेगा तब, ये आपका नहीं कटेगा, नहीं माइनस इनटू माइनस कितना प्लस, और कॉस में माइनस है तो फर्क पड़ता नहीं है, और कॉस 180 डिग्री क्या बोले थे माइनस वन, ये माइनस इनटू माइनस ये तो तब बच जाएगा ना जी, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका बचा हुआ है, यानी कि 2π 2 बाय आपका हो गया पाई, 2 बाय पाई, समझ गए, और एगो यहां पर है ना पाई 1/पाई, मिलके कितना हो जाएगा 3/पाई, समझ गए, थोड़ा सा मिस हो गया था, क्या हो गया था कि हम गलती से कटा दिए थे, नहीं कटेगा ये दो माइनस में है, दोनों माइनस में है तो नहीं कटेगा, समझ गए, तो आपका माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया 2 बाय पाई यहां पर और 1 बटे पाई यहां पर है, यानी कि 3 बाय पाई, जस्ट थोड़ा सा यहां पर हां माइंड स्लिप कर गया होगा या ध्यान में नहीं दिया होंगे, या आप भी तो ध्यान में नहीं दिए, यदि आप भी ध्यान में देते तो बोलते हैं ना, ठीक है, तो अब आपका आंसर हो गया कितना 3 बाय पाई प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन गया है, सही बात है बड़ा क्वेश्चन गया है, इसको फटाफट आप नोट कीजिए, इसको तेजी से आप नोट कीजिए, हाँ फटाफट नोट कीजिए आप, एक आखिरी क्वेश्चन है इसको बताते हैं फिर टाटा बाय बाय, हालांकि ये भी क्वेश्चन काफी बड़ा ही जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन तो बड़ा जाएगा, मिसलेनियस है ना तो दमदार होता ही होता है, अगर कुछ खा पी भी सकता है।
हो गया अन्नो? टाइम भी एक घंटा हो गया है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन बताएंगे ही बताएंगे। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आज का यहाँ पे देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल 44। I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π x dx by a स्क्वायर, ए यहाँ पे देखो cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, समझ गए? इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखे कैसे बनेगा, मिसलेनियस है ना, तो थोड़ा सा टेढ़ा होता ही होता है मिसलेनियस में सवाल, तो थोड़ा सा आपको टाइम भी लगेगा। कैसे कीजिएगा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से क्या करना है। ये देखो यहाँ जी, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 to a, ए मेरे साथ तुम लोग लिखते रहो जी, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी ए, वो लिमिट देख कर ही पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, समझ गए? लिमिट देख कर ही ये पता चल जाता है। अब देखो क्या हो गया, तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π a माइनस एक्स, यानी कि जहां जहां x है वो a से घट जाएगा, और यहां पर a के जगह पर है पाई, a के जगह पर है पाई, तो पाई से क्या होगा, तो घट जाएगा, पाई से x को घट जाएगा, यानी कि जहां जहां x है वहां पर पाई माइनस एक्स हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां पर पाई माइनस एक्स हो जाएगा, जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां पर क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस एक्स। अब देखो बेटा क्या हो गया, 0 to π पाई माइनस एक्स डी एक्स और ए स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा बराबर, cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, लेकिन पावर में दो है ना, ये पावर में कितना है, दो है, तो माइनस को क्या बना देगा, प्लस, माइनस को क्या बना देगा, प्लस, यानी कि cos स्क्वायर पाई माइनस x, पाई माइनस x नहीं, सिर्फ cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, x, सिर्फ हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, इसको दो मान लीजिए और ऊपर वाले को एक, इस ऊपर वाले को क्या मान लीजिए, एक, और नीचे वाले को क्या मान लीजिए, आप दो मान लीजिए, नीचे वाले को क्या मान लीजिए, दो मान लीजिए, ठीक है, नीचे वाले को दो मान लीजिए। अब क्या कीजिए, एक और दो को जोड़ दीजिए, तो i प्लस i बराबर कितना हो गया, इंटीग्रेशन 0 to π यहां पर है x by a square cos square x plus b square sin square x,
एक चीज ध्यान में दीजिएगा कि यहाँ का भी बेस सेम है और यहाँ का भी बेस क्या है, सेम है, समान बेस है। जब समान बेस रहे तो बेस को एक के साथ लिख दीजिए, बेस को एक साथ लिख दीजिए, और ऊपर x है और यहाँ पर पाई माइनस x है ना, तो x और पाई माइनस x लिख दीजिए। समझ गए क्या किए? तो एक लाइन दंडे मार लिए, एक लाइन दंडे ये मारे कि दो बार लिखने के बजाय हम एक के साथ में दोनों का एलसीएम ले लिए, और यहाँ पर x और यहाँ पर पाई माइनस x है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको लिख दिए। ठीक है, अब देखिए तो ये x और ये x आपका क्या हो गया, कैंसिल। ध्यान से देखिएगा, ये x और ये x आपका क्या हो गया, आपका हो गया कैंसिल। क्या बच गया नोनू, क्या बच गया छोटू, यहाँ पर देखो बेटा, तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई dx और बटे में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ठीक है, इतना बच गया, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना। ठीक है, अब देखिए तो यहां से पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, पाई कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू पाई dx बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। बिल्कुल सही बात है, 2i होगा, बिल्कुल सही बात है, देयर इज नो दिक्कत। ठीक है, अब देखिए आपको समस्या कहां पर हो जाएगी। अब क्या कीजिए आप, अब आप इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू पाई बाय 2, ये पाई है ना, इस पाई को क्या कर दिया, 2 इंटू पाई बाय 2 डी एक्स बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कर दिए, क्या कर दिया, पाई के जगह पे 2 इंटू पाई बाय 2 लिख दिए। और एक हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, इंटीग्रेशन 0 टू 2 ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होता इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ 2 ए माइनस एक्स। समझ गए, ये एक प्रॉपर्टीज हम आप लोगों को बताए थे, ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज को आपको ख्याल में रखना ही पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इंटीग्रेशन 0 टू 2 ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ 2 ए माइनस एक्स, इस प्रॉपर्टीज को मैं सिद्ध किया था। समझ गए, तो यहाँ पर वही चीज अप्लाई कीजिए आप, तो अप्लाई कीजिएगा तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाहर है, रहने दीजिए पाई बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू a, a के जगह पे पाई बाय 2 है, और fx, fx का मतलब हो गया 1 बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, और फिर 1 बाय f 2a माइनस x, f 2a माइनस x, तो 2a के जगह पे 2 इंटू पाई बाय 2 है, 2a के जगह पे 2 इंटू पाई बाय 2 है, तो यहां पर लिखिएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस x, और साथ में आपका dx। समझिए, साथ में आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया dx। ठीक है, यदि इतना समझ गए, यदि इतना समझ गए, तो आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए दोनों कितना हो गया, हाँ ध्यान से देखिएगा, 2i बराबर देखिए तो क्या हो गया, 2i बराबर पाई इनटू 0 टू पाई बाय 2 1 बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। समझ
समझ गए। और ये दो दो खत्म, ये दो दो आपका हो गया खत्म, तो यहां पर क्या बच गया, प्लस प्लस वन बाय ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और साथ में कितना हो गया, तो साथ में आपका हो गया dx, समझ गए, साथ में क्या हो गया, तो साथ में हो गया dx। अब देखिए दोनों चीज सेम है ना, ये दोनों चीज सेम है, आप 2i बराबर लिख सकते हैं पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 2 बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और आपका हो गया dx और आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया dx। इस 2 को बाहर ले लीजिए आप, 2i बराबर कितना 2 इंटू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 और dx बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, समझ गए, साइन स्क्वायर क्या हो गया एक्स। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यदि दिक्कत परेशानी नहीं है, ये दोनों दो आपस में क्या हो गया कट गया, ये दोनों आपस में कट गया, तो i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 dx बाय, ऐसा इंटीग्रेशन इंडिफिनिट में हम आपको बताए हैं, इसमें cos स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आप क्या कीजिए कि cos स्क्वायर x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और बटे में कॉस स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हैं, नहीं यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिए तो बटे में यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और बटे में कितना हो गया, तो बटे में हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए आपका, अब आपका बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, अब आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो देखिए तो क्या मिला आपका, हो गया i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1 बाय cos स्क्वायर कितना हो गया जी sec स्क्वायर x dx और बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और sin बाय cos कितना होता है, sin बाय cos 10 होता है, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स हो गया, नहीं और 10 पुट करने पर कितना आ जाएगा sec स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कीजिए आप, जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसा दीजिए, d में घुसा दीजिए 10x बटे में a स्क्वायर प्लस b 10x का क्या हो गया होल स्क्वायर, समझ गए, एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए, वेरीफाई क्या कीजिएगा 10x का डिफरेंशिएशन कितना sec स्क्वायर है और अब ये फॉर्मूला हो गया dx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है 1 बाय a और tan इनवर्स x बाय क्या होता है 1 बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के इंटीग्रेशन 1 बाय a tan इनवर्स x बाय तो i बराबर हो गया पाई 1 बाय a के जगह पे कितना है a के जगह पे तो a ही है और tan वर्स x x के जगह पे कितना है b 10x x के जगह पे कितना है b 10x बटे में a और याद रहे कि x के कोफिशिएंट से भाग दीजिएगा यहां पर x के जगह पे 10x है और 10x का कोफिशिएंट क्या है तो 10x का कोफिशिएंट है b इससे भाग दे दिए और लिमिट तो और लिमिट आपका हो गया कितना 0 से पाई बाय लिमिट हो गया 0 से पाई बाय 2 तो i बराबर पाई ये वाला a और ये वाला b कितना हो गया ab ये वाला a और ये वाला b मिलके कितना ab तो इसको आप कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए
कांस्टेंट है तो बाहर ले लिए, और देखिए तो क्या बच गया, टेन इनवर्स बी बाई ए, और x के जगह पे अपर लिमिट रखिए, x के जगह पे अपर लिमिट यानी कि टेन पाई बाय टू, टेन पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए, और x के जगह पे आपका लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट आपका कितना है, तो लोअर लिमिट आपका है जीरो बस, और दो और तीन लाइन, दो से तीन लाइन में आपका ये खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या बचा, तो i बराबर पाई बाय ए बी, ए नो नो जोर जोर से बोलो जी, तो ये आपका हो गया टेन इनवर्स, और ये b बाय ए, टेन नब्बे डिग्री कितना होता है, टेन नब्बे डिग्री इंफिनिटी होता है, तो ये आपका हो गया कितना इन्फिनिटी, और माइनस माइनस कितना जी टेन आपका b बाय ए, और b बाय टेन जीरो का मतलब कितना हो गया जीरो, टेन आपका इनवर्स जीरो का मतलब, टेन जीरो का मतलब जीरो, कहने का मतलब है आई बराबर पाई बाय ए बी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी से गुना कीजिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स है ये, और जीरो से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जीरो, जीरो से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जीरो। अब देखिए तो क्या मिला, आई बराबर पाई बाय ए बी, अच्छा टेन किसका मान इन्फिनिटी होता है, नब्बे डिग्री का, पाई बाय टू यानी कि ये हो गया पाई बाय टू, और टेन किसका मान जीरो होता है, जीरो का, टेन किसका मान जीरो होता है, जीरो का, ये हो गया जीरो, यानी कि आई बराबर पाई स्क्वायर बाय टू ए बी, और यही क्या हो गया आंसर है, मिलाओ तो आंसर कितना है, पाई स्क्वायर बाय टू ए बी, नहीं पाई स्क्वायर बाय कितना है 2ab, यही हो गया आंसर। नुनु देखो सब क्वेश्चन आसानी से नहीं बनता है, कुछ क्वेश्चन बड़ा जाता ही जाता है, और ये क्वेश्चन उसी में से एक था, यानी कि ये क्वेश्चन बड़ा गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्वेश्चन बड़ा जाता ही जाता है, इसको फटाफट नोट कीजिए और फिर सेशन को हम समाप्त करते हैं। Thank you.